आपको दिखाता हूँ। ये देखें ब्रिज है, बहुत पुराना ये, और इसके नीचे टनल्स ये बनी हुई है, ये बहुत पुरानी है। और यहाँ पे इसके ऊपर जो है ट्रेन का सिस्टम है, और यहाँ पे आगे आप साइड पे है ये हॉस्पिटल लोकल जो होते हैं। एक तो बड़ा हॉस्पिटल आपको दिखाया था, मेन हॉस्पिटल दिखाया था, ये यहाँ के जो रेजिडेंस के छोटे हॉस्पिटल होते हैं। आप देख सकते हैं साइडों में इस तरह, और यहाँ पे पार्किंग देखें किस तरह। ये आपको ये पुराना हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ये दिखाता हूँ आपको, बहुत पुरानी बनी हुई है ये, आप इसको देखें, ये देखेंगे बहुत पुरानी बनी हुई है, और इसको कैसे तरतीब से इन्होंने बनी साइड से भी देखें। एक और व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए उसी वो पुरानी बिल्डिंग। तो अब मैं दूर जाके वहां से इसका स्पॉट ले रहा कि इन्होंने देखें किस तरह तरतीब में दरख्त लगाए हुए हैं। और अब जाहिर है जब ग्रीनरी होगी, अब क्योंकि बर्फबारी हुई है देख रहे हैं आप साइड में, और इसमें ये है कि दरख्त अभी इतने ज़्यादा पत्ते होते नहीं हैं, उसमें जब ग्रीनरी होगी तो उसमें आप देखेंगे। और ये देखें इस बिल्डिंग को आप देखें कैसे इन्होंने सेट किया, ये देखें आपके लिए स्पॉट। आज दरवाज़ा इसका खुला हुआ है, वैसे बंद होता है, लेकिन मैं आज यहाँ से गाड़ी ले आया। ये देखें ये तो उसमें डस्टबिन भी है यहाँ पे, ये तो हर जगह ही डस्टबिन इन्होंने रखा होता है। और ये इसका जो है अनाउंस उन्होंने दिया हुआ है कि ये आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं 20 करोड़ के, जो सुबह के नाश्ते के लिए छोटे से वो बंद वगैरह की तरह के। और ये देखें यहाँ पे ये इस तरह इनके ये जो है ना वो पेट्रोल पंप है, और वहाँ पर देखो मेन एंट्रेंस है इनकी, ये मेन एंट्रेंस है इनकी, और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन रखे हैं। ये मुख्तलिफ ब्रांड के जो आप डीज़ल पेट्रोल या जो कुछ आप बनाना चाहते हैं इसमें मुख्तलिफ उनके नंबर लिखे हुए हैं। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आप कार्ड यहाँ एंट्री करेंगे, और इसके बाद आप पे जो है ना यहाँ पे देंगे, यहाँ पे कोड आप करेंगे, और उसके बाद जो है ना आपकी पेमेंट होगी। और यहाँ पे मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं इस तरह। ये उसका वो सामने जो है वो उसको कार वाश का भी बना हुआ है, कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ से ये देखें ये कार वाश का भी बना हुआ है, यहाँ पे मुख्तलिफ इसके टर्मिनल हैं, और यहाँ पे ये कार वाश के लिए भी इसी तरह ये है कि आपने यहाँ पहले ये कार्ड एंट्री करनी है उसकी, तो जो जो साफ वाश करवाना चाहते हैं, और उसके बाद ये इसके बटन मुख्तलिफ आप दबाएंगे, और सारे ऑप्शन लिखे हुए, इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखी हुई है सारी, यहाँ उसके साइन बोर्ड भी वहाँ दिए हुए हैं मुख्तलिफ, और उस तरफ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। ये इसका ये दूसरा साइड है, देखें यहाँ पे मुख्तलिफ उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये उसके जो है ना यहाँ पे टेबल, और ये इसका अगर आपने जो है ना यहाँ पे गाड़ी में एयर भरवानी है इसको लुफ्ट कहते हैं, और ये इसका पंप है, और जितना आपने पॉइंट भरवानी है जैसे कि 2.00 भरवाइए
उसके बाद देखिए उन्होंने जो आपने जो गाड़ियों की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये पहले आपको जो ट्रंक दिखाए थे सफाई के लिए, तो जो घरों के भी होते हैं, यहाँ भी देखें ट्रंक पड़े हुए, फिर वो जो उठा के लेके जाते थे। और यहाँ पे इनका बोर्ड देखें, ये इस तरह है, ये रेट्स लिखे हुए हैं जो रोज़ाना के रेट्स होते हैं। ये एक एरिया है, इसमें मैं हूँ। यहाँ पे ये देखें बाहर इनका पार्क, जिसको गाँव हम कहते हैं, गाँव मैं जब कहता हूँ पार्क के बजाय गाँव नहीं कह देता हूँ, क्योंकि आदत है हमें वही कहने की। तो ये बारिश आज फिर हो रही है, और बर्फबारी भी कल हुई थी, तो अब हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है। और बर्फबारी ये देखें बच्चों के पार्क और खेलने की जगह, ये हर जो छोटा सा बिल्डिंग होती है या इलाका होता है उसमें होते हैं। और ये यहाँ जो बिल्डिंग बनी है उसके लिए है, बच्चों के खेलने के लिए ज़रूर होता है। यहाँ ये है बच्चों के खेलने के लिए, अंदर चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, इसके अंदर भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके बाद ये बना हुआ है, यहाँ पे ये भी बना हुआ है, वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए, और ये झूले भी हैं बच्चों के खेलने के लिए। और यहाँ पे ये भी स्लाइडिंग बनी हुई है बच्चों के लिए, क्योंकि अब सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको बच्चे नहीं दिख रहे। मौसम जब सही होता है तो फिर बहुत बच्चे आते हैं यहाँ पे। और ये हर जो एरिया होता है या जो छोटे से बिल्डिंग होती है उसमें ये होते हैं, उनके अपने होते हैं, उनका अपना पार्क होता है। ये अलग अलहदा बात है कि किसी का छोटा पार्क हो, किसी का बड़ा पार्क हो, वो डिपेंड करता है। बाज़ बिल्डिंग्स पुरानी हैं तो उनके छोटे पार्क होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं।